हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा नर्व सप्लाई ऑफ स्कैल्प के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्कैल्प का एक्सटेंट और उसकी लेयर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा स्कैल्प की नर्व सप्लाई होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक सेंसरी सप्लाई और एक मोटर सप्लाई। देखिए, जो हमारी सेंसरी नर्व्स होती हैं वो क्या करती हैं, स्कैल्प से इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जाती हैं, और मोटर नर्व्स क्या करती हैं, जो हमारे ब्रेन से इन्फॉर्मेशन स्कैल्प तक पहुंचाती है। तो हमारी 8 सेंसरी नर्व होती हैं जो हमारे स्कैल्प को सप्लाई करती हैं ऑन ईच साइड ऑफ मिड लाइन। ऑन ईच साइड ऑफ मिड लाइन का मतलब है, देखिए जैसे ये स्कैल्प है, मैंने इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे 8 नर्व्स होंगी सेंसरी और यहाँ पे भी 8 नर्व्स होंगी सेंसरी। सो जो सेंसरी नर्व्स होती हैं वो 8 सेंसरी नर्व्स होती हैं, और जो मोटर नर्व्स होती हैं वो 2 होती हैं। तो इधर भी दो मोटर नर्व्स होंगी और इस साइड भी 2 मोटर नर्व्स होंगी। अब 8 सेंसरी नर्व्स 4 होती हैं इन फ्रंट ऑफ ऑरिगल, ऑरिगल मतलब ईयर्स, तो 4 हमारे ईयर्स के आगे होती हैं और 4 बिहाइंड द ऑरिगल होती हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4, 4 इन फ्रंट ऑफ ऑरिगल और 4 बिहाइंड द ऑरिगल। ऐसे ही जो हमारी 2 मोटर नर्व्स होती हैं, एक होती है हमारी इन फ्रंट ऑफ ऑरिगल और एक होती है बिहाइंड द ऑरिगल। तो हमारी सेंसरी नर्व्स का नाम और मोटर नर्व का नाम हम डायग्राम से करेंगे। देखिए, जो सेंसरी नर्व इन फ्रंट ऑफ ऑरिगल होती है, 4 होती हैं, सुप्रा ट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, जाइगोमैटिको टेम्पोरल एंड ऑरिगुलर टेम्पोरल। देखिए, इस नर्व का नाम सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व क्यों रखा, क्योंकि जो हमारी हमारी आई की मूवमेंट को कंट्रोल करती है उस नर्व का नाम होता है ट्रॉक्लियर नर्व। तो यहाँ पे हमारी आईज लोकेटेड होंगी, तो आईज के जस्ट ऊपर ये वाली नर्व है, तो इसका नाम रख दिया हमने सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व। अब ऑर्बिट क्या आता है, ऑर्बिट भी हमारा आईज से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आईज ही है, तो इस नर्व का नाम रख दिया हमने सुप्रा ऑर्बिटल नर्व। अब यहाँ पे हमारा होता है जाइगोमैटिक प्रोसेस और यहाँ पे हमारी होती है टेम्पोरल बोन, तो इस नर्व का नाम रख दिया हमने जाइगोमैटिको टेम्पोरल। अब यहाँ पे हमारी टेम्पोरल बोन है और यहीं पे हमारे ऑरिगल है, तो इस नर्व का नाम हो गया ऑरिकुलर टेम्पोरल। तो देखिए, आपको ये सब रटना नहीं है, अगर आप थोड़ा सा समझ के इनको याद करेंगे तो आपको लाइफ लॉन्ग ये याद रहेगा। तो ये है हमारी इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल जो हमारी 4 नर्व्स हैं। अब 4 नर्व पीछे बिहाइंड द ऑरिकल, तो इस नर्व का नाम है ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। देन पीछे ऑक्सीपिटल बोन होती है, बाकी 3 नर्व्स का नाम ऑक्सीपिटल बोन से रिलेटेड है, लेसर ऑक्सीपिटल, ग्रेटर ऑक्सीपिटल एंड थर्ड ऑक्सीपिटल। ये जो हमारी सेंसरी नर्व इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल है, ये कहाँ से डिराइव होती है, हमारी ट्राइजेमाइनल नर्व से डिराइव होती है। और ट्राइजेमाइनल नर्व क्या है, हमारी क्रेनियल नर्व है। लेकिन ये जो 4 नर्व पीछे इन बिहाइंड द ऑरिकल है, ये कहाँ से डिराइव होते हैं, ये हमारी सर्वाइकल नर्व है। और सर्वाइकल नर्व हमारी क्या है, एक स्पाइनल नर्व है। तो देखिए, हमारी बॉडी में 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व होते हैं, यानी जो ब्रेन से इमर्ज करती है, और 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से इमर्ज करती हैं। तो ये कहाँ से डिराइव हो रही है, क्रेनियल नर्व से, और ये कहाँ से डिराइव हो रही है, हमारी स्पाइनल नर्व से। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोटर सप्लाई की। देखिए, मोटर सप्लाई यहाँ पे हमारी कौन सी बोन है, टेम्पोरल बोन, तो इसका नाम पड़ गया टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। देखिए, फेशियल नर्व जो है ये भी एक हमारी क्रेनियल नर्व है, ये 7th नंबर की क्रेनियल नर्व है। और बिहाइंड द ऑरिकल पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। तो यानी ये दोनों जो मोटर नर्व है, कहाँ से डिराइव हो रही है, हमारी क्रेनियल नर्व से डिराइव हो रही है। तो दोस्तों, नर्व सप्लाई ऑफ स्कैल्प में आपको इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा ब्लड सप्लाई ऑफ स्कैल्प के बारे में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।